20 साल के इंतजार को 20 पलों की बेसब्री से बर्बाद मत करो। हम अपनी पहचान को जाहिर करने का खतरा नहीं उठा सकते, इसलिए अभी चलो यहां से। बालवीर, रुको रुको। अगर वाकई ये उन लोग की कोई चाल है तो हमें और भी सावधान रहना होगा। लेकिन माँ, हम शौर्य के पास सुराग लिए बिना कैसे जाएंगे? बालवीर, मिल गया सुराग। ये देखो, ये शायद उसी प्राणी की राख है जिसे खोजी तरंग ने भस्म किया था। चलो। बांबाल श्री, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो लोग हमें नहीं पहचान पाएंगे? घोड़ा मानव का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिन लोगों को भी हम पे शक था, उनका शक घुड़सवार के साथ जलकर खाक हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो आप बोलने वाले थे। Very soon, हम इस वायरस का वैक्सीन ढूंढ लेंगे। वाह वाह, मैनेजर साहब, आपको ना धन्यवाद बोलना था। आपने कॉलेज का आधा हिस्सा क्वारंटीन के लिए दे दिया, इसलिए। It's okay. एक मिनट, मैनेजर साहब नहीं है, वो प्रिंसिपल साहब है, प्रोफेसर अघाड़ी। मैनेजर नहीं है, प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो क्या फर्क पड़ता है, पर धन्यवाद तो बनता है, बोले तो थैंक यू। इट्स ओके। करो करो, अच्छा काम कर रहे हो, करो। मैं आती हूँ। दुश्मन का ध्यान अपने ऊपर से भटकाने के बाद हमें जो मौका मिला है, हमें उसका पूरा फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता वो वायरस। हमें हम उस पर ऐसा अटैक करेंगे कि उसको पता भी नहीं चलेगा। आपको नजर न लगे ना, इसलिए मिर्ची लेकर आई हूँ। आपकी नजर आ रही हूँ। मैडम, आपका हो गया, अब हम थोड़ा काम कर ले प्लीज। हाँ, कीजिए कीजिए, मेरा काम खत्म हो गया। उतर गई नजर। मिस्टर बी, आई अग्री कि हमने दुश्मन के दिमाग से डाउट को आउट कर दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि शिंकाई के पैलेस में आपको लेकर डाउट शुरू हो गया? अंबाल श्री, रे ठीक कह रहा है, हमें राजमहल वापस चलना चाहिए। चलो चलो सुंदरी, चलो। तुम कहीं नहीं जा रहे हो ब्रिगेंजा, तुम यहाँ कॉलेज में ही रुकोगे। लेकिन अंबाल श्री, हम रे को भी राजमहल नहीं ले जा सकते। But why? क्योंकि तुम मेरे लिए वो खजाना हो जिसे मैं दुनिया की नजरों से बचा कर रखना चाहता। Okay, Mr. B, as you wish. माँ, आखिर शौर्य गए कहाँ? शौर्य उस राख की जांच पड़ताल करने गए हैं। जांच पड़ताल? लेकिन शौर्य तो आंख बंद करके ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर इतनी सी राख के बारे में जानने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा? बालवीर, इस बार जिस बुरी शक्ति ने सिर उठाया है वो तिमनासा से और भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए शौर्य साधारण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। साधारण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके कहने का मतलब है कि शौर्य ने युग चक्र का इस्तेमाल किया है? हाँ बाबी, युग यात्रा यंत्र का प्रयोग करना जरूरी हो गया था, और जैसा कि मुझे संदेह था, ये राख उस नई बुराई के स्रोत की नहीं है।
ये किसी छोटे सिपाही की है जिसका नाम था घोड़ा मानव। घोड़ा मानव? हाँ बालपरी, हमारा पहला सुराग यानी पानी के बुलबुले से निकला आदमी भी वहीं से आया था जहां से घोड़ा मानव आया था। लेकिन शौर्य, आखिर ये जगह है कौन सी? ये पानी की एक विशाल दुनिया है जिसका नाम है शिनकाय। और इस समुद्री दुनिया शिनकाई के शासक का नाम है जलराज के कोस। शिनकाय के निवासियों, पिछले कई सालों से शिनकाय की दुनिया पूरी कायनात की नजरों से ओझल रही है क्योंकि मैंने शिनकाय के चारों तरफ एक सुरक्षा ढाल बना के रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारी शिनकाय में कोई भी बाहरी ताकत दखल दे। और अगर जलराज कहीं दखल देना नहीं चाहते तो उन्होंने उस घोड़ा मानव को क्यों भेजा था और उस पानी के बुलबुले से निकला हुआ मानव धरती पर क्यों आया था? शिनकाय से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक सिपाही सरहद पार करके शिनकाय से बाहर जाता है, कैसे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं जलराज के कोस को वीरलोक में आने का निमंत्रण भेजने वाला हूँ। आपने से कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि एक छोटा सा सिपाही शिनकाई से बाहर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे जवाब चाहिए। सिपहसालार बामबाल, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शिनकाय की सरहद की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है ना सिपहसालार बामबाल? जी हाँ जलराज। तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? मैं अपनी चूक कबूल करता हूं। सिपहसालार बामबाल, आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मेरे छोटे भाई होने के कारण आपकी हर गलती माफ कर दी जाएगी। तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैंने उस घोड़ा मानव पे भरोसा किया और उसने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरी शिनकाई का भरोसा तोड़ा है। वैसे
उसने धरती पर ऐसी क्या गलती कर दी कि आप इतने क्रोधित हो गए? उसकी फिक्र आप मत कीजिए। आप सिर्फ ये मालूम कीजिए कि इतनी चाक चौबंदी होने के बावजूद घोड़ा मानव शिंकाई से बाहर कैसे गया? जो हुक्म जलराज। आज की सभा यहीं बर्खास्त होती है। इंसाफ कायम रहे। इंसाफ कायम रहे। इंसाफ कायम रहे। क्राय और प्रे लेकिन नहीं छोड़ेगा रे। ये किंग काइकोस मिस्टर डी को इतना डोमिनेट कैसे कर सकता? हाल किले शौर्य को जाकर हमारा संदेश देना कि अगले पहर हम उसे मिलने वीरलोक आ रहे हैं। बालवीर, ये एक विशेष अवसर है जब किसी दूसरे लोक के राजा हमसे मिलने वीरलोक आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मौके पर विवान भी हमारे साथ रहे। हाँ शौर्य, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस विवाद का हल बातचीत और शांति से हो जाए। हाँ बालपरी, लेकिन जलराज के कोष को हमारी शक्ति का प्रदर्शन करना भी जरूरी है, इसलिए बालवीर तुम जाकर विवान को भी बुला लाओ। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। उस युग यात्रा चक्र के इस्तेमाल से मुझे भी अपने अतीत की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बालवीर, शौर्य ने कुछ कहा? हाँ, मैंने सुना। मैं विवान को बुला कर आता हूँ। नकाबपोशी देवू है और देवू ही नकाबपोश है, पर ये कैसी मुश्किल है कि ये सच में किसी को बता तक नहीं सकती। विवान बेटा। अरे माँ, आपकी बेटी के होते हुए आप इतने भारी बैग्स क्यों उठा रही है? ले, मुझे दीजिए। ये बैग्स के बोझ से ज्यादा भारी तो तुमसे दूर रहने का बोझ है। आजकल तुम कितना कम मिलने आते हो अपनी माँ से। वो तो इसलिए ताकि मुझे दो पर ब्रेकफास्ट, दो पर लंच, दो पर डिनर ना करना पड़े। क्या क्या कहा? कुछ नहीं, ये बैग्स कहाँ रखने हैं? ये बैग्स को ना तुम घर लेकर जाओ, मुझे एक छोटा सा पर्व पूरा करके आना है। आपका मतलब वर्क पूरा करना है? हाँ, वही। और सुनो, वापस आकर ना मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म घी के समोसे बनाने वाली हूँ। देवकी जी, समोसे खाने से ना विवान के पेट में दर्द हो जाता है। करुणा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं विवान के लिए आलू के नहीं पनीर के समोसे बनाने वाली हूँ। पनीर के समोसे? पर पनीर के समोसे तो मेरे हाथ के ही खाता है विवान, और किसी के खाता ही नहीं है। बुरा मत मानिएगा देवकी जी। हाँ, अब अरे अरे मोम, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं आप दोनों के बनाए हुए समोसे खा लूंगा। पहले विवान, ये जाके जरा मेरा बैग क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा कर। पर करुणा जी, मेरे बैग में आइसक्रीम है, वो पिघल जाएगी। आइसक्रीम? हाँ, वही, पहले मेरा बैग रख कराओ। लेकिन मेरे बैग में सब्जियां हैं, अगर क्वारंटाइन सेंटर में सब्जियां नहीं पहुंची ना तो खाना बनने में देर हो जाएगी। विवान जा। करुणा जी, मैं आपका बैग लेकर चली जाती हूँ। इससे अच्छा आप अपना बैग खुद ही अपने घर ले जाइए ना। भगवान, आपने मुझे दो माए दी इसलिए थैंक यू, लेकिन अब इन दोनों के बीच की जेलसी सॉल्व करने का भी कोई आइडिया दे दीजिए प्लीज। विवान जा। अरे 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 अरे, फिकर नॉट, मैं हूं ना। अब
ये बैग क्वारंटाइन सेंटर मैं पहुंचा दूंगा और इनके बैग्स विवान इनके घर पे पहुंचा देगा। ओके अच्छा हुआ देवू भैया आपने मुझे बचा लिया, वरना जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकती ना, ठीक उसी तरह एक बेटा दो माओं का प्यार नहीं संभाल सकता। हाँ विवान, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वीर-लोक से एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। मैसेज? हाँ, थोड़ी देर में वीर-लोक में इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है और शौर्य चाहते हैं कि तुम भी वहाँ रहो, तो बैग रख कर पहुँच जाना। हाँ श्योर, मिलते। वैसे आजकल वीर-लोक के मैसेज मुझसे पहले देवू भैया को कैसे मिल जाते हैं? इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो मुझे ये इन्फॉर्मेशन इतनी लेट मिल रही है? नहीं विवान, ऐसी कोई बात नहीं है। तिमनासा के अंत के बाद हम चाहते थे कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, और वैसे भी तुम्हारे अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव जो आए हैं। बाय द वे, आपको इतने दिनों बाद फिर से ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लोक के मार्गदर्शक शौर्य को जलराज केकोस का प्रणाम। शिनकाई नरेश, जलराज केकोस आपका भी वीर लोक में स्वागत है। ये हैं बालपरी। आपका स्वागत है जलराज। और ये हैं बालवीर। वेलकम सर, वेलकम। वैसे मैं जूनियर बालवीर हूँ, सीनियर बालवीर अभी आते ही होंगे। तो ये है युग चक्र। अब इसकी मदद से मुझे पता चल जाएगा कि आखिर मेरे अतीत का राज और मेरे माता पिता की सच्चाई क्या है, जो बार बार मुझसे छुपाया जा रहा है। युग चक्र, मुझे उस काल में ले चलो जब मेरा जन्म हुआ था। का नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर, 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 बालवीर। हाँ, ये क्या क्या हुआ डुबा डुबाए? मेरा दिल धबड़ धबड़ कर रहा था, लेकिन अब तुम मिल गए हो तो शांत हो गया है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो यहाँ पर मेहमानों के स्वागत के लिए फूल लेने आया था, लेकिन रास्ता भटक गया। ओहो, ये लो फूल मालाएं और गुलदस्तों का प्रबंध हो चुका है बालवीर। जल्दी चलो, महाराजा जलराज के साथ मुलाकात शुरू होने वाली है। हाँ। अरे जल्दी चलो बालवीर, चलो जल्दी। हाँ चलो।
पैलेस में जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ देखा मिस अभी, एंड आई कांट बिलीव कि शिंकाई के किंग आपको किस तरह से डोमिनेट कर रहे थे। आई थिंक ही शुड डाई। चाहता तो मैं भी यही हूं रे। मिस्टर बी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अभी जाकर उस किंग काई को उसकी लाइफ लाइन को कट कर देता हूं। सब्र रे सब्र, अभी तुम्हारे शरीर से कवक के जहर का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी तुम अकेले शिंकाई की पूरी सेना का सामना नहीं कर सकते। एक बार उस महा ताकतवर का खून मिल जाता तो। स्वामी, छोटा मुंह बड़ी बात, आप कब से किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही रट लगाए जा रहे, खून चाहिए खून चाहिए। अरे ये सुन सुन के तो मेरे दिमाग में खून चढ़ गया है। अब उतरा तुम्हारे दिमाग से खून? हाँ, आपका हाथ जो लग गया। अब मैं एक हफ्ते तक अपना मुंह नहीं दूंगा। बम्बाल श्री, उस महा ताकतवर को पकड़ने के लिए क्या आपने कोई तरीका निकाल लिया है? तरीका तो मिल ही जाएगा मिर्जा, लेकिन अभी तो मेरे कानों के अंदर सिर्फ काइकोज की बातें गूंज रही हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हमसे कुछ छुपा रहे थे? मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है बम्बाल श्री कि जलराज दरबार खत्म होने के बाद आज शिंकाई के बाहर किसी से मिलने गए थे। किंग काइकोस चाहे जो कर रहे, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं वो किसी ने नहीं सोचा होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।